जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक अब यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान एकेडमी। तो यहाँ पर सारे दोस्त जो हैं वो कोस्ट गार्ड के एग्जाम का वेट कर रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था और आप सभी का जो ऑफिशियल अपडेट था वो था कि सितंबर में एग्जाम होगा, एंड एग्जाम हुआ नहीं। काफी बच्चे परेशान हैं, वो पूछ रहे थे भाई एग्जाम कब होगा। तो क्लियर शब्दों में आप सभी को बता दें, एग्जाम के बारे में किसी को नहीं पता है, ठीक है। जब एग्जाम होगा कोस्ट गार्ड का, वो कोस्ट गार्ड वाला आप सबको आईसीजी एंड सीडेक को पता है, ठीक है, वो कब लोग कराएंगे, उसके अलावा किसी को नहीं पता है। बस एक्सपेक्टेड आप सभी को मैं बता सकता हूं, सिंपल चलेगा। और आप सभी को पता है कि सीडेक के जो भी एग्जाम है वो सारे डिले हुए हैं। क्यों डिले हुए हैं, उसका भी दो चार रीजन हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी के पास सीडेक के पास हो सकता है कि सेंटर कम हो, क्योंकि आप सभी का टीसीएस लगातार एग्जाम करा रहा है, तो हो सकते हैं कि टीसीएस के पास सेंटर चले गए हो और वहां पर एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, अदर एग्जाम भी है, जिसकी वजह से आप सभी को वहां पर सीट कम हो। तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी का एग्जाम कब होगा, कब होगा, कब होगा, सारे बच्चे परेशान हैं। तो अक्टूबर में आप सभी का एग्जाम नहीं है, अब तो ये कंफर्म हो चुका है, अक्टूबर में आप सभी का इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम नहीं होने वाला, इतना बात तो कंफर्म है आप सभी का। अगर आगे बात करते हैं तो फिर कब होगा एग्जाम, कब होगा, सारे बच्चे यहां पर परेशान है। तो आपको बता दें, एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी आप सभी का लगभग और लगभग 10 नवंबर के समथिंग जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स का भी एग्जाम अक्टूबर में था, 18 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स का एग्जाम था, वो भी पोस्टपोन हुआ और 16 नवंबर को आप सभी को हो गया, 16 नवंबर। तो उसके दो चांसेस मुझे लग रहे हैं, जैसे कि आप सभी का एमटीएस है, एमटीएस के एग्जाम 14 नवंबर को खत्म हो रहे हैं, उसके तुरंत बाद इन्होंने अपना एग्जाम रख दिया, यानी कि कॉमन सेंटर है बहुत सारे जो टीसीएस और उसके हैं। तो या तो आप सभी का जो एग्जाम है वो 10 नवंबर के समथिंग आप सभी का इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो, ठीक है, 8 से 10 नवंबर को एग्जाम हो, या फिर 20 नवंबर के बाद एग्जाम होगा। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये लॉजिक मेरा अभी दिमाग में आया है कि टीसीएस की वजह से आपके एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, उसकी वजह से आप सभी का हो सकता है कि एग्जाम थोड़े से लेट क्यों, एसएससी एमटीएस, ठीक है। तो अभी तो एग्जाम है नहीं कोस्ट गार्ड का, तो 10 नवंबर, 8 से 10 नवंबर के समथिंग एग्जाम होगा, एग्जाम के 8 से 10 दिन पहले आप सभी का एग्जाम डेट और सिटी आएगा, ठीक है, या फिर आप सभी का एयरफोर्स के तुरंत बाद एग्जाम होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं यहां पर अभी लास्ट टाइम देख रहा था कि आपका एग्जाम लास्ट टाइम एक बार दिसंबर में हुए, ठीक है, लास्ट टाइम आप सभी का दिसंबर 2023, ठीक है, 2 दिसंबर के समथिंग एग्जाम हुआ है, उससे पहले आप सभी का 20 नवंबर के समथिंग 2022 में, 2021 में सितंबर में एग्जाम हुआ है, 2021 में सितंबर में एग्जाम हुए हैं, विद स्क्रीनशॉट आप सभी की स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप सभी का फ्लक्चुएट करता रहता है, मगर पहली बार हुआ है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने डेट दी है उस डेट पर एग्जाम नहीं हुआ, और इसमें रीजन है कि आप सभी के सारे एग्जाम पोस्टपोन हुए सीटेक के। तो आपको यही बताऊंगा कि भाई आप लोगों के पास में कॉमनली आपको 15 डेज तो कम से कम है, और 15 डेज से आप सभी का 1 मंथ था आप सभी के एग्जाम में हो सकता है। तो काफी बच्चों के लिए गुड न्यूज भी है, एंड आप सभी के लिए काफी बच्चों के लिए बैड न्यूज है, जो कि आपका अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो कि आप सभी का एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं इसके एग्जाम देने के बाद, ठीक है। मेरे पास भी कुछ ऑफलाइन बच्चे यहाँ पर है जो संपर्क में है, ठीक है, वो कोस्ट गार्ड की तैयारी करना शुरू की और वो चाहते हैं कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। तो उसके लिए बेनिफिट एंड नॉन बेनिफिट सारी चीजें हैं, मगर आप सभी को बता देता हूं मैं कि जिन लोगों की आपकी लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, मॉक टेस्ट पर फोकस डालना है, और आपने कट ऑफ देखी होगी ना एनआर की, एनआर रीजन की कट ऑफ देखी होगी ना, 84 के समथिंग आप सभी की कट ऑफ बनी, 84-85 जनरल की, एंड ऐसे आप सभी क्या ओबीसी कट ऑफ भी ऐसी है। तो जो एनआर रीजन से बच्चे हैं, यूपी से आप सभी के बच्चे हैं, खास करके आप सभी के यहां पर तो उत्तराखंड के, दिल्ली के समथिंग वाले जो बच्चे हैं, वो ध्यान से फोकस करके इस बात को सुनिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई लोग फाइनल सिलेक्शन लेना है ना एसएससी जीडी कोस्ट गार्ड जीडी से, तो आपको 85 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है मॉक टेस्ट में। तो ये आप सभी के लिए चेतावनी है कि 85 मार्क्स से ऊपर आप सभी के मार्क्स आए, ठीक है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी वाले 2-3 नंबर कम कर लेंगे, एंड ईडब्ल्यूएस 1-2 नंबर और कम कर लेंगे, एससी वाले अपने हमसे 10 मार्क्स तक नीचे आ सकते हैं, ठीक है, 75-76 एससी वाले। तो ये आपसे भी फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट कट ऑफ नहीं भाई, फर्स्ट कट ऑफ निकल के सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल कट ऑफ से सिलेक्शन होगा, और फाइनल कट ऑफ जो गई है उसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा पहले से ही वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो देखें, जो कुछ अदर जोन है उनकी कट ऑफ कम जाती है,
जैसे आप सभी का बिहार वाला रीजन देख ले तो उसकी थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी 7-8 नंबर, और फिर आप सभी का नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट वाली वैकेंसीज आती है आप सभी की ईस्ट रीजन, एंड आप सभी का साउथ रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, वहां की वैकेंसीज थोड़ी से, ठीक है, वहां की जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। आप सभी का जो अदर जोन के हैं तो कम से कम 75 जनरल तो लेकर चलेंगे आप सभी लोग, ठीक है, तो बाकी आप लोग अच्छे से बहुत सारे समझदार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जय हिंद।